सितारगंज में अपनी 12 सूत्री मांगों व बजट कटौती के खिलाफ आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने सितारगंज ब्लॉक परिसर में राज्य सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल के नेतृत्व में प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत दिनों ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय में तालाबंदी कर दी थी। प्रधान संगठनों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रधान संघ के अध्यक्ष भास्कर संभल ने कहा 15 वित्त में लगातार कटौती हो रही है जिसे सरकार रोक नहीं पा रही। भास्कर ने कहा प्रधानों को 10,000 मानदेय व 5,000 की पेंशन देने की मांग की जा रही है। सरकार अभी तक ये मांग पूरी नहीं कर पा रही। भास्कर ने कहा यदि समय रहते हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आज सितारगंज विकास खंड में प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर मेरे द्वारा शुद्धि बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम किया गया जिसमें लगातार 12 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश प्रधान संगठन पूरे प्रदेश के समस्त विकास खंडों में धरने पर बैठा हुआ है। 1 तारीख से लगातार 7 तारीख तक कोई भी सरकार की ओर से उनका कोई भी नुमाइंदा हमारे इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पर नहीं पहुंचा, जिस कारण आज सितारगंज विकास खंड में सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। आगामी आगे वाली 10 तारीख तक रणनीति यूं ही बरकरार रहेगी। हमारे द्वारा तालाबंदी और धरने का कार्यक्रम जारी रहेगा। विगत 12 तारीख से प्रधान संगठन जनपद उधम सिंह नगर में मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी और धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। अगर सरकार ने हमारी 12 सूत्री मांग पूरी नहीं की तो हमारा धरना प्रदर्शन लगातार इसी तरह जारी रहेगा और रुद्रपुर में भी जाएंगे, वहाँ तालाबंदी का भी कार्यक्रम होगा। देखो अभी तो शुरुआत है, 10 तारीख तक का हमने टाइम सरकार को दे रखा है। 10 तारीख के बाद हम निर्णय लेंगे, जिस हद तक भी हमें पहुँचना पड़ेगा हम पहुँचेंगे। भूख हड़ताल करेंगे, रुद्रपुर तालाबंदी करेंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ी हम वो भी देंगे। इस मुद्दे को हम सुलझा के रहेंगे चाहे किस हद तक भी हमें जाना पड़े। सर इसमें ऐसा है कि जब हम लगातार एक हफ्ते से नहीं, हम लगातार दो वर्ष से इसमें संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी हो गया, ब्लॉक सारे जिले के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग मतलब बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही उसके साथ तन मन धन के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी हम जो है 1 तारीख से बैठे हैं, 7 दिन आज हमें होने जा रहा है और 10 तारीख तक हम यहाँ बैठेंगे और 10 तारीख के बाद हम जिले में विकास भवन में तालाबंदी करेंगे। अगर उससे भी हमारे उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांग को नहीं किया तो जो भी संभव होगा वो करेंगे। मतलब पुरजोर तरीके से पूरा मतलब जो है पूरे उत्तराखंड देहरादून में जाकर हम पूरा इसको जो है इस मतलब जो है धरना को बहुत एक विकराल रूप देंगे। रूपरेखा हम क्या बताएं, जैसे हमारा पूरा प्रधान संघ जो है इसमें मतलब अपनी मांगों को लेकर उठा है। जैसे सरकार मानती है कि जो ग्राम है, ग्राम जो सबसे पहली सीढ़ी है मतलब विकास की, हम यही गवर्नमेंट से मतलब सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो कम से कम हमारे प्रधान लोगों की बात तो सुने, जिससे उनको महसूस तो हो कि हमारे गांव में, हमारे समाज में हमारे क्या समस्याएं हैं। वो हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। हम उनसे कई बार समय मांगते हैं कि हमें एक बार समय दे के हमारी एक बार समस्या सुन लो, समस्या हमारी सुन लो, उसके बाद समाधान करो ना करो, एक बार समस्या तो हमें टाइम तो दो समस्या सुनने के लिए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार उनसे ये टाइम मांग चुके हैं, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ EDO साहब भी आए, उन्होंने कहा हम टाइम देंगे, लेकिन उन्होंने भी अभी कोई मतलब हमें कोई आश्वासन नहीं दिया कि जिससे हमारा मतलब उनसे मुख्यमंत्री से या किसी से हमारे बड़े अफसर से बात हो सके कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है। तो अगर हमारी ये समस्याएँ नहीं सुनी जाएंगी तो जैसा भी होगा हमारा मतलब प्रधान संघ जो है जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम जाएंगे। लगातार चूंकि आप देख रहे हैं कि विगत वर्ष में ग्राम प्रधानों को जब चुनाव लड़ाया जाता है तब कह दिया जाता है कि हाई स्कूल पास शिक्षित ग्राम प्रधान होना चाहिए, 2 बच्चे से ज़्यादा उसके पास अपने बच्चे नहीं होने चाहिए, तब वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता है। और जब बारी आती है प्रधानों को मानदेय देने की तो सरकार कहती है कि 1500 रुपये के मजदूर बने रहो। तो क्यों सरकार, अगर शिक्षित ग्राम प्रधान की वो मांग करती है, हाई स्कूल पास उसको ग्राम प्रधान चाहिए, और उसको द्वारा उसकी आंखों के सामने गलत काम यदि सरकार द्वारा जबरदस्ती बिना नीतिगत
फैसले लिए और बिना नीतिगत ग्राम प्रधान को समझाए निर्णय लिए जाते हैं कि इतना पैसा इनसे कटौती कर लिया जाए। तो अब की बार शिक्षित ग्राम प्रधान है जो अपने शक्तियों को और अधिकारों को मांगने के लिए, क्योंकि जो 73वें संविधान संशोधन के 29 विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित होने थे, सरकार उन विषयों को हस्तांतरित नहीं करना चाहती है और साथ ही पंचायतों को मजबूत नहीं करना चाहती है, क्योंकि विगत उत्तराखंड सरकार को बने, हमारा उत्तराखंड राज्य बने 20 वर्ष हो गए और इसके पूर्व भी जो 73वां अमेंडमेंट हमारे में संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमको 29 विषय हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार द्वारा कहीं ना कहीं पंचायतों को मजबूत हो जाएंगी ऐसा सोचती है, जिस कारण वह पंचायतों की अनदेखी कर रही है। हमारे द्वारा लगातार अपने 29 विषयों की लड़ाई, प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात और CHC सेंटर को 2500 रुपये दिए जाने की बात, और साथ ही जो हमारा कार्यकाल आप देख रहे हैं कि लगातार हम 2 वर्षों से कोविड कोरोना काल में पूर्ण तरीके से ग्रामीण जनता के परिवेश में लगे हैं, कोई भी विकास कार्य ग्रामीण पटल पर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को 2 साल कार्यकाल जो है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और आपदा इसे कहेंगे, वैश्विक आपदा है, क्योंकि पूर्व में भी हमारे 95 में भूकंप के कारण कार्यकाल बढ़ाया गया है ग्राम पंचायतों का, उसी तर्ज पर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल विगत 2 वर्षों का हमारी पंचायतों का बढ़ाया जाए। इन मांगों को लेकर और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हम ग्राम प्रधान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार का या उत्तराखंड सरकार का आज दिन तक कोई भी नेता या विधायक हमारे इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पर हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया, और आने वाले समय में 10 तारीख तक हमारा ब्लॉक परिसर में ये धरना चालू रहेगा। यदि हमारी इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 12 तारीख से प्रधान संघ जिले में मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगा। यदि जेल भरो आंदोलन भी ग्राम प्रधानों को चलाना पड़ा तो पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान एकजुट हैं, और यदि सरकार उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे उत्तराखंड के ग्राम प्रधान सभी लोग देहरादून राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय पंचायती राज मंत्री जी का, उनके आवास गृह जनपद उधम सिंह नगर में और मुख्यमंत्री कार्यालय देहरादून में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। हम मांगे पूरी करने के लिए कह रहे हैं, मगर 7 तारीख से 10 तारीख तक हम ये धरना करने के लिए ब्लॉक में हम रहेंगे। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड, सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।